बुरहानपुर नेपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दरियापुर में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि मैंने किसानों की, गरीबों की हमेशा बात की है। मैंने कांग्रेस सरकार के कमलनाथ से कहा था कि 5 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, आप जनता के वादे पूरे करो, लेकिन कमलनाथ नहीं सुन रहे थे। सिंधिया ने कहा कि जब भी किसानों, गरीब, जनता के साथ अन्याय होगा, मैं जनता के लिए सड़क पर आ जाऊँगा। सिंधिया ने कहा, इस चुनाव को मामूली चुनाव न समझे, भाजपा प्रत्याशी सुमिता काजरेकर को अपना विधायक बनाकर ही जिताएं। वहीं सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में सिंधिया जी से जो वादे करवाए थे, कमलनाथ सरकार ने पूरे नहीं किए। सिंधिया जी ने कहा, मैं जनता के लिए सड़क पर उतर जाऊंगा। सिंधिया जी ने बात ना मानते हुए कांग्रेसी खुद सड़क पर आ गए हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार सुमित्रा काजरेकर ने कहा, कांग्रेस में रहते हुए मेरे एक भी काम नहीं हुए हैं, इसलिए मैं कांग्रेस को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूँ, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के काम हो। इस मौके पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, मंजू दादू, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लतवे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये चुनाव तय करेगा आपका विकास, आपकी प्रगति, आपका भविष्य, और आपका विकास, आपकी प्रगति, आपके भविष्य के साथ मध्य प्रदेश का भविष्य। और जो लोग आज कहते हैं कि सुमित्रा देवी गद्दार हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पत्तियां झड़ गई, पत्तियां झड़ गई हमसे गुलशन को सींचने में, पत्तियां झड़ गई हमसे गुलशन को सींचने में। वो इल्जाम लगा रहे हैं हम पर बेवफाई का। पत्तियां झड़ गई जिस गुलशन को सींचने में, वो इल्जाम लगा रहे हैं हम पर बेवफाई का। गुलशन को रौंद डाला जिसने अपने हाथों से, गुलशन को रौंद डाला जिसने अपने हाथों से, वो ही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। बुरहानपुर सोबत एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, रिश्ता है तो परिवार चा रिश्ता है, तरी रक्त रिश्ता है तुम्हारे भाई और बहन। महाराष्ट्राच्या बॉर्डर समीप माझ्या क्षेत्र आहेत, मराठा साम्राज्यचा एक अखंड भाग होता, आणि आत्तापणी इथे शेतकऱ्यांचा, आदिवासी माणूसचा, एक एक माणूसचा त्याग, तपस्या आणि बलिदान जवळ निमाड क्षेत्राचा झंडा उचलून तुम्ही सगळा परछम लहरानाचा कार्य करतात माझा भाऊ। ये हमारा संबंध है एक परिवार का। आज आपके समक्ष में आया हूं, चुनावी माहौल है, पर ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो नेपानगर में चुनाव होने जा रहा है, ये आप मत समझना कि ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव नहीं, ये सत्य का चुनाव है, विकास का चुनाव है, प्रगति का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। आपने एक नहीं सुनी, बार बार कहते रहे, आखिर में आपने चुनौती दी कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी, मैं ऐसी राजनीति नहीं करता, मैं जनसेवक हूं, मेरी राजनीति जनता को समर्पित है। आपने जो वादे दिलवाए हैं, वचन दिलवाए हैं, वो पूरे करिए,
नहीं तो कमलनाथ जी मैं सड़क पे उतरूंगा जनता की लड़ाई के लिए। घमंडी कमलनाथ ने कहा ज्योतिरादित्य जी आपको सड़क पर उतरना है तो उतर जाइए। ज्योतिरादित्य जी सड़क पे नहीं उतरे लेकिन कमलनाथ सरकार को सड़क पर ला दिया। पार्टी में वचन पत्र निकाले थे उस वचन से हर किसान का कर्जा माफ कब होने थे, वो रेगुलर हो या डिफॉल्टर हो, बेटियों की शादी के लिए 51,000 की बात किए थे, जो युवा भी बेरोजगार है उनको रोजगार देने की और रोजगार भत्ते की, वो भी 4,000 रुपए भत्ते की बात की थी कांग्रेस पार्टी ने। ऐसे तमाम वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, पर उस वादे से कांग्रेस पार्टी मुखर गई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।